सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल टेकवुड। तो मैं मंदिवान अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो है टेकवुड टेक न्यूज़ नंबर 66। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे टिक कर लीजिए, जिससे रोज रात को 8 बजे में टेक न्यूज आप तक पहुंच सके। सबसे पहली खबर है Xiaomi की ओर से। तो Xiaomi का Mi Notebook 14, इसका जो e-learning edition है वो लॉन्च हो गया है इंडिया में, और जो कि लॉन्च हुआ है 34,999 यानी 35,000 रुपए में, जो इसका 8GB रैम और 256GB स्टोरेज यानी SSD स्टोरेज के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए है ई लर्निंग एडिशन। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अगली खबर है व्हाट्सएप की ओर से। तो बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप में आप लोगों को काफी जल्दी देखने को मिल सकता है वेकेशन मोड। ये बेसिकली होता है जैसे कि आप लोग कोई भी अचीव में डाल देते हैं मैसेज, तो आप लोगों का फिर भी शो, जैसे मैसेज आता है तो शो हो जाता है। बट अब ऐसा ये मोड आने के बाद, वैकेशन मोड आने के बाद, जो अगर अचीव में डालने के बाद अगर आप लोगों में कोई भी मैसेज आता है तो वो पहले ही शो नहीं हो जाएगा। तो अगली खबर है फ्लिपकार्ट की ओर से। तो फ्लिपकार्ट का बिग दिवाली सेल ये फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। 8 नवम्बर से इसकी डेट आ गई है, तो 8 नवम्बर से ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट का बिग दिवाली डे सेल। तो जाइएगा, और जो अगर आप लोगों का सेल छूट गया है इधर के फ्लिपकार्ट का, तो जाइएगा 8 तारीख से आप लोगों के लिए नए सेल लगने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर है Xiaomi की ओर से। तो Xiaomi का Redmi Note 9 सीरीज का एक स्मार्टफोन बताया जा रहा है आप लोगों को, काफी जल्दी देखने को मिल जाएगा। और ये आपको देखने को मिलेगा अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के साथ, और जो जिसमें होने वाला है 120Hz का डिस्प्ले। तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन होने वाला है वो काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है, और आई थिंक ये गेमिंग स्मार्टफोन की तरीके से यूज होने वाला है। अगली खबर है सैमसंग की ओर से। तो सैमसंग का W21 5G स्मार्टफोन, ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है बेसिकली, ये लॉन्च हो गया है चाइना में, और जो कि जिसकी प्राइस आई हुई है वहाँ पे 19,999 चीनी युआन, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 2.23 लाख जो आई हुई है इसकी प्राइस। जो इसका एक ही वेरियंट है 12GB रैम और 512GB स्टोरेज का, तो काफ़ी हाई प्राइस आई हुई है। और ये देखने में और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिमिलर है जो सैमसंग का गैलेक्सी जेड फोल्ड 2 है उसके साथ, और इसमें आपको देखने को मिलता है 120Hz का डिस्प्ले, और इसी के साथ साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865+ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगली खबर है काफ़ी सैमसंग की ओर से, काफ़ी कंपनियों की ओर से। तो बताया जा रहा है, ये रूमर्स आ रहे हैं, रेंडर्स आ रहे हैं, खबर ये आ रही है कि वीवो ओप्पो और शाओमी के जो इतने भी स्मार्टफोन हैं, अब हो सकता है कि अगले साल यानी 2021 से इसमें सैमसंग के चिपसेट का भी यूज़ होने लगेगा, जैसे कि एक्जिनॉस का 1080 प्रोसेसर ये वीवो के X60 प्रोसेसर में आने वाला है, सॉरी X60 स्मार्टफोन में आने वाला है, सीरीज में आने वाला है। तो अब देखते हैं क्या ये जो बात आई हुई है, खबर निकल के आई हुई है, वो कितना सही होता है। अगली खबर है सैमसंग की ओर से। तो सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 लाइट और सैमसंग का गैलेक्सी A50 और सैमसंग का ही गैलेक्सी S9 सीरीज, इन सभी स्मार्टफोनों में आप लोगों को नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है। तो जाइए अपडेट सेक्शन में और इसको अपडेट कर लीजिए। अगली खबर है नोकिया की ओर से। तो नोकिया के दो लोकप्रिय स्मार्टफोन जो कि हैं नोकिया 6300 और एक है नोकिया 8000, तो ये दोनों ही स्मार्टफोन 5G सपोर्टेबल के साथ दोबारा लॉन्च करने की तैयारी हो रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हाल ही में देखे गए हैं स्वीडिश टेलीकॉम ऑपरेटर की एक साइट पे जो कि है टेलिया, तो टेलिया पे देखे गए हैं ये, तो हो सकता है कि ये काफी जल्दी लॉन्च हो जाए। अगली खबर है OnePlus Nord N100 से रिलेटेड। तो इसमें ऑक्सीजन OS 10.5.1 का अपडेट आ गया है, और इसी के साथ साथ अपडेट में जो कैमरा परफॉर्मेंस है और ब्लूटूथ परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस किया गया है और अच्छा किया गया है। तो आप लोग अगर रखे हुए हैं N100, वैसे तो ये यूरोप में लॉन्च हुआ है, तो अगर आप लोग वहां से परचेज करके इंडिया लाए हुए हैं और रखे हुए हैं तो जाके अपडेट कर लीजिएगा। अगली खबर है सैमसंग की ही ओर से। तो सैमसंग का गैलेक्सी F12 या हो सकता है मे बी ये सैमसंग का गैलेक्सी एम
12 हो, यानी F12 या M12 हो सकता है। तो इसका एक बैक पैनल जो है वो लीक हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, और साथ साथ इसका बैटरी स्पेक्स भी बाहर आया हुआ है, जो कि पता चला हुआ है कि इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी होने वाली है। तो अगली खबर है GTE की ओर से, तो GTE Blade 20 ये 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है चाइना में Dimensity के 720 प्रोसेसर के साथ, और वहां पे जो इसकी प्राइस आई हुई है वो आई हुई है 1499 चीनी युआन, जिसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 16700 इसकी प्राइस आई हुई है इंडियन करेंसी के हिसाब से, जो इसका 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है। और ये आपको देखने को मिलता है 16+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ, और फ्रंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, जो कि 8 मेगापिक्सल के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो अगली खबर है गूगल की ओर से, तो गूगल का मैसेजेस इसमें स्टार्ट हो गया है, इसका एक नया टेक्स्ट शेड्यूल फीचर का जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोग जाके देख लीजिए, अपडेट आया हुआ है गूगल के मैसेजेस में, तो जाके अपडेट कर लीजिए। अब आप लोग कोई भी टेक्स्ट जो है वो अगर मैसेज करना चाहते हैं शेड्यूल के साथ, कोई टाइम के साथ, तो आप उस पे लगा के आप लोग ये शेड्यूल कर सकते हैं। तो एक्सर ने लॉन्च कर दिया है अपना एक्सर एंड्यूरो N3 रजेट, ये लैपटॉप, ये बेसिकली थोड़ा हाई एंड लैपटॉप है, जिसमें आपको देखने को मिलता है IP53 रेटिंग के साथ, और इसमें आपको देखने को मिलता है 13 आवर्स का बैटरी लाइफ। ये लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जो कि लॉन्च हुआ है 76,500 रुपए, यानी 76,500 रुपए में ये आपको देखने को मिल जाता है। और LG की ओर से, तो LG का बताया जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स की ओर, और ये मे भी हो सकते हैं जब ये आए तो इसका नाम जो हो LG रोलेबल हो, तो हो सकता है कुछ भी। और रोलेबल क्या, ये आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या LG के जो स्मार्टफोन फोल्डेबल स्मार्टफोन निकलेंगे वो LG रोलेबल होने चाहिए, या कुछ और नेम आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को टेक न्यूज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दिया, साथ साथ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर कर दिया मेरे वीडियो को जितना आपसे हो पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।